इरकुट्स्क के बाद अब रूस के किन शहरों पर हो रहे हमले, नेटो के हथियार भंडार पर संकट क्यों है और डोनेस्क में रूस के किस बटालियन ने संभाला मोर्चा। विस्फोटक खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। खुर्स के टेटकिनो इलाके में यूक्रेन ने अमेरिकी बमों से विध्वंसक हमला किया। रूसी सेना के ठिकाने पर गाइडेड एयर बम डैम ईआर से अटैक हुआ। इस हमले में जहां रूसी सेना का कमांड सेंटर तबाह हो गया, वहीं उसके कई सैनिक भी मारे गए। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश, बेलग्रोद और ब्रयांस्क में ड्रोन से विध्वंसक हमला किया है। इस दौरान ऑस्ट्रोगोजस सिटी में रूस का गोला बारूद डिपो तबाह हो गया। डिपो में लगी आग को वीडियो में देखा जा सकता है। रूसी शहरों पर ड्रोन से 7 हमले हुए। यूक्रेनी आर्मी ने रूस के वोरोनिश में अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। नेपच्यून मिसाइल से किए गए अटैक में रूसी सेना का गोला बारूद गोदाम तहस नहस हो गया। यूक्रेनी बॉर्डर से वोरोनिश की दूरी 115 किलोमीटर है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को हो रहे नुकसान पर पश्चिमी मीडिया ने सवाल खड़े किए। आरोप है कि रूस से प्रतिशोध के लिए नेटो से मिले हथियार बर्बाद हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने 20 विदेशी टैंक और 30 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल खो दिए। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के खिलाफ रूस बड़े एक्शन की तैयारी में है। एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट के T-62M टैंक और स्पेशल फोर्स की आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल्स कुर्स्क के लिए निकल चुके हैं। ट्रेन से टैंकों को वॉर जोन में भेजा गया है। साउथ डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है। BM-21 से ये ताबड़तोड़ शेलिंग यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्रों में की गई। रूसी सेना की वोस्तोक ग्रुप लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले रूस ने न्यूयॉर्क पर कब्जे का दावा किया था।